मध्य प्रदेश में भाजपा पिछले कई दिनों से अपने बूथ विस्तारित अभियान को लेकर फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव इंदौर और इंदौर के आसपास कई क्षेत्रों के बूथों पर कार्यकर्ताओं को सहयोग करने पहुंचे। बता दें कि भाजपा के बूथ विस्तारक अभियान के तहत हर कार्यकर्ता सबसे निम्न स्तर यानी कि बूथ पर जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी विषय पर मुरलीधर राव ने अपना विचार रखते हुए मीडिया को बताया कि भाजपा के 20,000 कार्यकर्ता इस अभियान में कार्यरत हैं और हर कार्यकर्ता इस अभियान को 100 घंटे दे रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो एक ऐतिहासिक पार्टी की ओर से अभियान चल रहा है, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी जो पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी काम किया और मध्य प्रदेश के संगठन के विस्तार के वो शिल्पी रहे, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए समर्पण और राष्ट्रवाद के लिए जीना, इसके लिए एक प्रतिमूर्ति के नाते हम जो देखते हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे जी को देखते हैं। उनकी शताब्दी वर्ष हमने प्रारंभ किया, आदरणीय ताई सुमित्रा महाजन जी के अध्यक्षता में अभियान पूरे देश भर में चालू हुआ और विशेषकर लोकतंत्र में हमारे देश में दलीय व्यवस्था है, तो इस दलीय व्यवस्था में बूथ स्तर तक पार्टी के समिति और कार्यकर्ताओं को निर्माण करना एक यज्ञ प्रारंभ हुआ है, जिसके तहत मैं भी आज इंदौर और आगे धार, फिर उज्जैन, फिर भोपाल, रतलाम, ये सब जगह पर मैं विस्तारक इस अभियान में स्वयं भी बूथों पर जाने की दृष्टि से।